भारत यूके स्वास्थ्य शिक्षा संमेलन 2022 साठी किंग्स क्वींसवे हॉस्पिटल अँड SMHCच्या सोबतच ब्रिटिश असोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन ट्रेनिंग अकॅडमी आणि शीतलताई मेघे हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर वानाडोनीच्या संयुक्त विद्यमानाने पहिला इंडो यूके हेल्थ एज्युकेशन कॉन्क्लेव्ह 2022 चे आयोजन हॉटेल सेंटर पॉइंट रामदास पेठ नागपूर इथे करण्यात आले. 19 नोव्हेंबरला सायंकाळी 6 वाजता करण्यात आले असून 20 तारखेला दुपारी 12 वाजता डॉक्टरांचा पदग्रहण समारंभ होणार आहे. डॉक्टर परिचारिका आणि पॅरामेडिक्स आणि सोबतच आणि संबंधित आरोग्य व्यावसायिकांच्या प्रशिक्षणासाठी भारतीय रुग्णालय आणि युके संस्थांमधील भागीदारी मजबूत करणे आणि भारत युके या विकसनशील देशादरम्यान प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी नवीन मार्ग विकसित करणे आणि इतर विकसनशील देशांना भारत युके द्वारे प्रदान केलेले प्रशिक्षण साधनांचा विस्तार करणे कॉन्क्लेव्हचा प्रमुख उद्देश आहे. देखिए ब्रेन गेम तो मैं इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि जो ये ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन है इसके अंदर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो अधिकतर उसमें से भारत में पढ़ के भारत से लेके अपनी डिग्री और फिर बाहर गए और बाहर जाके उन्होंने काम किया. तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश का ब्रेन ड्रेन हो गया, भारत से निकल के ब्रेन यूके पहुंच गया और यूके की कंट्रीब्यूशन यूके में कंट्रीब्यूशन देने लगा. लेकिन आज ये हमारा गेन है. गेन क्यों है? क्योंकि यही डॉक्टर्स अब वापस आके हमारे देश में MBBS डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करवाएंगे, हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको यूके में जहाँ जगह खाली है तो उस खाली जगह को कोई और क्यों भरे, वो हमारे बच्चे भरे. ये इस उद्देश्य से ये इन बच्चों को वापस ले वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए ताकि वो दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके भारत वापस आ सकें और भारत की हेल्थ केयर सर्विस इम्प्रूव हो सके. तो ये गेन हो गया. यही इसीलिए मैंने इसका उदाहरण दिया कि ये ब्रेन जो ड्रेन हुआ था अब ये हमें उससे गेन हो रहा है, ये उसका उदाहरण है. ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन ट्रेनिंग अकॅडमीच्या नेतृत्वात भारतीय रुग्णालय डॉक्टरांसाठी प्रशिक्षणाची संधी देतात आणि यूके आधारित NHS ट्रस्ट यांना 2 वर्षांसाठी रोजगार आणि पुढील प्रशिक्षण प्रदान करतात. यशस्वी डॉक्टर भारतात परत येऊ शकतात आणि यूके मध्ये उच्च शिक्षण घेऊ शकतात. 2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेअंतर्गत वैद्यकीय डॉक्टरांच्या पहिल्या तुकडीला किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल नागपूर येथे यशस्वीरित्या प्रशिक्षण देण्यात आले आणि यूके मध्ये प्लेसमेंटसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. डॉक्टरच्या या बॅचेसचा 20 नोव्हेंबर 2022 रोजी दुपारी 12 वाजता केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार आणि लोकसभा खासदार डॉक्टर संजय जयस्वाल यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात येणार आहे. देखिए ये जो इसका सबसे पहला मकसद ये है कि उन बच्चों को और उन टीचर्स को रिकॉग्नाइज करना जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, सक्सेसफुली 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं और जो यूके जाने की तैयारी में है, और उन टीचर्स का जो जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया. जो प्रोग्राम करने का है तरीका वो ये है मकसद कि एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर सकें इंडिया में. कुछ यूके जाएंगे, कुछ इंडिया में रहेंगे और सोसाइटी की हेल्प करेंगे. तो इस इंडो यूके कॉन्क्लेव के तहत इस प्रोग्राम को हम और एक्सपेंड कर सकते हैं पूरी कंट्री में, पूरे देश में, और लोगों का अवेयरनेस इस प्रोग्राम का बढ़ेगा. तो ये एक मकसद था कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम का प्रोफाइल बढ़ा सकते हैं जिससे ये और पॉपुलर हो प्रोग्राम, और ये दोनों कंट्रीज़ को साथ लाने के लिए एक परफेक्ट वो आइडिया है. 2 साल में हमने पहले 5 बच्चों से शुरू किया और धीरे धीरे आज की तारीख में हमारे पास 82 बच्चे हैं जो कि 100 होने वाला है इस ईयर एंड तक. हमने 4 सब्जेक्ट्स में कोर्स शुरू किया है, मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और सर्जरी, और ये प्रोग्राम बढ़ता चला जा रहा है. हमारा सबसे जो मेन एम है वो है क्वालिटी का. तो क्वालिटी कंट्रोल हमने एक्सटर्नल एक दिया हुआ है ग्रुप को जो कि हमें बताते हैं कि कहाँ पे गैप्स हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करना है. तो हम खुद क्वालिटी कंट्रोल नहीं करना चाहते वरना हम ही जज हो जाएंगे और हम ही ज्यूरी हो जाएंगे. तो वो को एक्सटर्नल ग्रुप हमें एडवाइस देता रहता है कि कहाँ पे गैप्स हैं. तो दैट इज़ वाई हम क्वालिटी के लिए टॉप पे हैं वहाँ पे, एंड प्रोग्राम अब धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जा रहा है. शुरू में बड़ी दिक्कत आई बिकॉज पहला जब आप इस तरह का प्रोग्राम शुरू करते हो तो कोई पार्टनर बनने को तैयार नहीं होता, बट अब सबको मालूम पड़ गया है और सबको विश्वास है हमारे ऊपर कि जो हम कहेंगे वो हम डिलीवर करेंगे. देखिए डॉक्टर्स की जो लर्निंग होती है वो वर्क पे होती है. काफ़ी डॉक्टर्स
इंडिया से यूके जाते हैं जिनको सैलरी नहीं मिलती, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं 3 महीने 6 महीने, तो उनको अपना खर्चा खुद करना पड़ता है, रहने का, खाने का, सबका। तो हमने क्या किया है कि उनको पूरी सैलरी मिलेगी जिससे कि वो कमा पाएँ, लर्न तो कर ही रहे हैं साथ में, कोर्स भी कर रहे हैं साथ में, तो आपने लर्न भी कर लिया, अर्न भी कर लिया और वापस भी आ गए। अब आप अगर आना चाहें तो